आज क्लास इतना कार्बन और तार जौग अध्याय नम्बर चार तारे किसान नतुन नतुन टपिक डिस्काशन कर गति के मैं प्रथम नाम लिखी लैस कार्बन जौगर पर मैं पर कैसो दिया हाँ इतना कि कार्बन बिलाके विभिन्न धरण जौग गठन कर जनक आम मानु मानु तो सब आसे न एक सबरे हाथ भरी चकू कान मुख कि सबरे कि उपाधिवीक बेलेग बेलेग ना जान बेलेग बेलेग उपाधि आसने बेलेग बेलेग उपाधि हिसाब से बेलेग बेलेग पर है कार्बन और जौगर किसान पर नाम आए यह एक्सुअल समगणय श्रेणी भी क्या तुम लोग पिछले पबा जी नीखी पीछे पा पीछे कथ पातीम किसान नाम लिखी चुना एलकेन एक नम्बर नाम तो आज एलकेन तुम लोग भिडिओ पज कर लिखी लबा कि एल्किन एल्काइन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है गति के आम एटा प्रत्येक विषय भल्के वितम भाव अध्ययन कर आज क्लास एल्केनर विषय अध्ययन कर गोटेक अध्ययन कर क्लास बहुत दीघलिया हम दें मैं इतना कैसा आज क्लास अक एल्केनर ऊपर आलोचना कर एतिया आमार आहिले प्रथम नाम तो एलकेन एलकेनत कि है कार्बन थाके आरो हाइड्रोजेन थाके हेकारणे सेबिलाक जोगक हाइड्रोकार्बन बुलियो कय दे जिबिलाक जोगत हाइड्रोजेन आरो कार्बन लग लागि थाके ताके हाइड्रोकार्बन बुलियो कय एतिया प्रथमते आमी गम पाबो लागिबो एलकेनर एटा जेनेरल फर्मुला आसे जे एटा सांकेतिक चिन्ह एटा आसे हेतु केनेके लिखे साबा CnH2n+2 तार माने तुम लोग मैं एलकेनर प्रथम जगत नाम एक उदाहरण दीसूँ दे बाकी बुझी पा बार इतना मिथेन मिथेन तो हल एलकेनर जगर प्रथम सदस्य नाम कि आसे मिथेन सबा के मिथेन कार्बन एट थके तार माने एनर मान कि हम मिथेनर कारण वन इतना आम फर्मुला CnH2n+2 इतने आम एनर ठाईत वन बहाई चम सबा CN एनर जगत C1 ठीक है H एच शब्द कि आसे 2 × n जगत 1 बहाम ठीक है प्लस 2 एखिनि समान कि है C1 2×1 = 2 + 2 सारी हम C1H4 1 तो थाकिले 1 तो निलिखे तो कि हो जाबो CH4 गति के एलकेनर प्रथम जौगटर नाम हल मिथेन माने हल CH4 द्वितीय जगत नाम हल इथेन तार प्रोपेन तार पिछत ब्यूटेन तार पिछत पेंटेन तार पिछत हेक्सेन और बहुत आसे तुम लोग किताबत हेक्सेन लेके दिया आसे एटा कथा तो आमी मनत केनेके राखिम तार कारणे तुम लोग एखन चार्ट मनत राखिब लागिब साबा प्रथमते आमी ये फर्मुला मन रखे कारण क्यों इतने एनर ठाईत एबार एक बहाम एबार दुई बहाम एबार तीनी बहाम एबार चारी बहाम एबार पाँच एबार छय बहाम छयटालैके मन रखिले हल इतना प्रथम के मन रखी चुना तुम लोग एन तालिका मन रख लगे मिथ ये आम मन रखे किसान उपाय विचार लो दे इथ तीन नम्बर प्रोप ब्यूट पेंट कितबो आसे पेज नम्बर तुम लोग 60 रबा चाहिए कि पेज नम्बर 64 आज कितब तो पेन्ट तेक्स सबा जीतु एलकेन लास्ट कि एन आसे ना एलकेन उच्चारण तो शुनबा भल्क तो एलकेन आसे ना एलकेन एन आसे लास्ट तो कि जब यू मिथेन नाम तो अक बदली जा लाइन तो कितना भल्क मन रख लगे मिथ इट प्रो ब्यूट पेन थेक्स ये सबते लगभग अक एलकेन नए पृथ पीछर जिम्मेल फेमिली मेम्बार आज सबते लगभग ठीक है मिथ इट प्रो ब्यूट पेन थेक्स एक बारे सीरियल मुखस्थ मिथर पीछे प्रोप को निदिबा और मिथ इट प्रो ब्यूट पेन थेक्स छा मन रख लगे मुखस्थ कर लबा तो मिथ तो कि एलकेन हमें मिथेन एलकेन आन आ लास्ट एन हो जा तो इथ तो कि इथेन ठीक है प्रोप तो कि प्रोपेन ब्यूट तो कि ब्यूटेन पेन तो कि पेन्टेन हेक्स तो कि हेक्सेन गम पाने कि कथा जे नाम तो भल्के चाह लबा एलकेन थाकिले मिथ एन
ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেন্টেন হেক্সেন আমি নামকেইটাতো শিকিলো তার মানে আমি এলকেন পরিয়ালর সদস্যবিলাকর নামাকরণ শিকি গলো আমি নাম দিব শিকি গলো যে মিথেন হব যেনেকুৱা এলকিন থাকিলে ইথেনটো কি যাব এলকিন আছে নহয় ইথিন হৈ যাব তেতিয়া হেতু শিকিম পিছত বাৰু এতিয়া নামাকৰণটো শিকা হল এতিয়া আমি সংকেতটো কেনেকে বনাম চোৱা মিথটো কেই নম্বৰ আছে এক নম্বৰত আছে যদি এক নম্বৰ আছে এই ফৰ্মুলাটোত এনৰ জাগাত ওৱান বহালে কি আহিব চোৱা সি ওৱান দুই দুগুণ দুই এগুণ দুই প্লাছ দুই ইকুৱেল চাৰি তো প্ৰথমটোৰ নাম কি আহি যাব চি এইচ ফ'ৰ মিথেন তো কি হব তাৰমানে সি এইচ ফ'ৰ হব দুই নম্বৰটো কি আছে ইথ ইথটো কি আছে দুই নম্বৰত এনৰ জাগাত দুই বহালে কি আহিব চি টু ইয়াতে দুই বহালে কি হব দুই দুগুণ চাৰি প্লাছ দুই ছয় চি টু এইচ ছিক্স গম পাইছানে এইবাৰ প্ৰপেনত কি বহাব লাগিব চি এনৰ জাগাত তিনি বহাব লাগে কাৰণ প্ৰপটো কিমানত পৰিছে তিনি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তোমালোকে চিৰিয়েলি মুখস্থ কৰিব তেতিয়া হিচাপ কৰিব পাৰিবা মিথ ইথ প্ৰপ মানে প্ৰপটো তিনি নম্বৰত পৰিছে তাৰমানে এনৰ জাগাত কি বহাব লাগিব তিনি তাৰমানে এলকেনৰ হ'ল এইটো সাধাৰণ ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো যি বহাই দিবা এনচাৰটো পাই যাবা যদি প্ৰপ হয় তো প্ৰপটো কিমানত পৰিছে তিনি নম্বৰত পৰাৰ কাৰণে এন ইকুৱেল থ্ৰী বহাই দিবা তো চি থ্ৰী এইচ এইট তাৰপিছততো মই ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ তোমালোকে কৰি চাবা এইচ টেন তাৰপিছত আহিব চি ফাইভ এইচ টুৱেল্ভ তাৰপিছত আহিব চি ছিক্স এইচ ফ'ৰ্টিন গতিকে মই কৈছোঁ তোমালোকে মিথ ইজ প্ৰ বিউট পেন থেক্স ঠিক আছে এইকেইটা মুখস্থ ৰাখিলে কি হ'ব ধৰা মই পটককৈ সুধি দিলোঁ যে বিউটেনৰ সংকেত কোৱাচোন কেনেকৈ ক'বা প্ৰথমতে হিচাপ কৰিবা মিথ ইজ প্ৰ বিউট বিউটটো কেই নম্বৰত পৰে চাৰি নম্বৰত যিহেতু বিউটেন হয় লাষ্টত এন আছেনে নাই তাৰমানে এলকেন বুলি গম পাবা তো এলকেনৰ ফৰ্মুলাটো মনত পেলাই ল'বা তাতে এনৰ জাগাত চাৰি বহাই দিবা তেতিয়া এনচাৰটো পাই যাবা তাৰমানে যদি আমি এই চাৰ্টখন মনত ৰাখোঁ আৰু যদি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখোঁ এইখিনি আৰামছে ওলাব পাৰিম গতিকে আজিৰ ক্লাছত আমি এলকেনৰ নামাকৰণ আৰু কেনেকৈ সংকেতখিনি বনাই শিকিলোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি এলকিনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।